सभी लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। ईवीएस की क्लास आज स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। नीचे दिए गए धारों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर या सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभे पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। बताएं इसका क्या कौन सा आंसर हो सकता है। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गाँव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ के घर बांस के खंभे पर बने ढालू छत वाले घर होना चाहिए। अगला प्रश्न। इस प्रकार के घर होना चाहिए, बांस के खंभे पर ये घर बना है और ढालू छत है ना इसकी, तो इस प्रकार के घर होना चाहिए जहाँ अधिक वर्षा होती है। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते? वैदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, कर्णम मलेश्वरी। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? कितने? 29 मेडल जीते हैं। 29 मेडल जीतने वाली कौन थी? कर्णम महेश्वरी। कौन सी? कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी के बारे में है, कर्णम मलेश्वरी भारत की वह वेट लिफ्टर हैं जो भारोत्तोलक यानी वेट वजन उठाने वाली हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29। कर्णम मलेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं और इनका जन्म श्री काकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। कर्णम महलेश्वरी को 1994 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महलेश्वरी को वर्ष 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र। मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने के लिए पकड़कर खा लेता है वह घटपर्णी पौधा किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी पौधा मेघालय राज्य में पाया जाता है और यह नेपेंथिस के नाम से भी जाना जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में होता है। अगला प्रश्न। नीचे
दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसाए सिर से दुम तक देखे नीला ही नीला सा। तो चित्र देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा पक्षी है, तो मोर, पीकॉक। कौन सा है? मोर। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीला मोर कौन कौन से देशों का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत और किसका? भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न, मच्छरों से फैलने वाले तीन रोगों का समूह है डेंगू, मलेरिया, COVID-19 या HIV एड्स, चिकनगुनिया या मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, COVID-19, चिकनगुनिया, डेंगू। बताएं कौन सा आंसर हो सकता है। मच्छरों से फैलने वाले तीन रोग बताएं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, मच्छरों के काटने से फैलते हैं। मच्छरों के काटने से या मच्छरों द्वारा फैलते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तीन खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तीन खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, सेब, कद्दू, सेब, गुड़, खीरा, आंवला, पालक, कद्दू, आंवला, पालक, गुड़। तीन खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। कैसा होता है? अधिक मात्रा में होता है। तो आंवला, पालक, गुड़, इनमें आयरन अधिक मात्रा में होता है। सिरदर्द, चिड़चिड़ापन आयरन की कमी के कारण होता है और इससे बीमारी होती है, एनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खाद्य पदार्थों में पालक, ब्रोकली, आंवला, गुड़, शहतूत इत्यादि में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। बताएं इसका आंसर। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बारे में, हमारे देश के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं यहाँ पर इडली, बड़ा डोसा, सांभर, नारियल की चटनी खाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते
रहते हैं। छिपकली और गिलहरी, छिपकली और कछुआ, चूहा और गिलहरी, सांप और गिलहरी, बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनकी आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। चूहा और गिलहरी। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य का भाग है। सैंड ड्यून्स आर फाउंडिंग, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, अबू धाबी, अफगानिस्तान। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं बताएं? रेत के टीले पाए जाते हैं अबू धाबी, अफगानिस्तान। किस जगह है? अबू धाबी, अफगानिस्तान। रेत के टीले अबू धाबी, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि इंग्लैंड, बर्लिन, यूरोप, महाद्वीप के देश हैं जो कि ठंडे प्रदेश हैं, एवं बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का देश है जहां वन बहुतायत में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से व्रंज के बारे में सही कथन चुनिए। यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है। यह यौगिक है। यह कॉपर और टिन का मिश्रण है। यह जस्ता और शबांगी मिश्रण है। व्रंज के बारे में यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। ब्रांच कांसा कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। तांबे को टिन से मिलाने पर बना कांसा तांबे से अधिक कठोर हो जाता है। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। सेब, मुरब्बा, दूध, पनीर, कच्चा आम, अचार, दाल, पापड़, बताएं इसका आंसर। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूप खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है, तो दूध, पनीर ये सही नहीं करता है। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबू कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख,
आप लोग बताएं कौन सा हो सकता है। हमारे देश की किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबू कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? यह ले और लद्दाख में है। किस जगह है? ले और लद्दाख। छऊ नृत्य किस राज्य की सामान्य लोगों का नृत्य है? छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। असम का है छऊ। सॉरी क्षमा चाहते हैं, एक छत्तीसगढ़ का है छऊ नृत्य, लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। बताएं आप लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? केरल राज्य में उगते हैं। केरल भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। केरल को भारत का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। केरल के बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। इलायची का व्यावसायिक भाग पौधे का फल होता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना चाहिए। बताएं इसका आंसर कौन सा होगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन, किस्से, कहानियां। बताएं कौन सा होगा? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियां। निम्नलिखित
निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सच नहीं है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने की अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। बताएं आप लोग कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत कर तरीके से प्रस्तुत करती है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित करती है। बताएं कौन सा होगा? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित करती है, ये नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना भी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय .. के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बोलता को बढ़ावा देने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी इसका वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए। अगला प्रश्न,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक सप्ताह को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना, ऐसा नहीं, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ये भी नहीं, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता, ये भी नहीं, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता पर विकास होता है। डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित जोड़ना। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, NCF 2005 के आधार पर EBS विषय के किस पहलू को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, लोकतांत्रिक और सामाजिक परिरक्षण, पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण पर जोर, जैविक संरक्षण पर, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर। NCF 2005 के आधार पर EBS विषय के किस पहलू को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण पर जोर देकर। EBS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, EBS में समूह में सीखने का उद्देश्य है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, अनुरूपक एकल विषय एकीकृत पाठ्यपुस्तक आधारित। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, कैसी है, एकीकृत। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर EBS की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बच्चों के रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए। बी इसका सही आंसर है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण नकारात्मकता को दर्शाता है और बच्चों द्वारा रटकर सीखना ये भी नकारात्मक है, तो बी इसका सही आंसर है।
तो आज के आए ईवीएस के 30% थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको समझ गए होंगे। मैं समझता हूँ अगर आपको लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इस वीडियो को और देख लेना, जिससे क्लियर हो जाएगा। अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और सीटेट एग्ज़ाम जो करीब आने वाला है और उसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो पुराने जो वीडियो डले हैं उनको देख लेना। सभी लोगों को नमस्कार।